ऑसम, बहुत अच्छी व्यू है यार। हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप फिर से स्वागत करता हूं डहरिया ब्लॉगर चैनल से। और आज मैं आपको लेकर आया हूं, एक हूं अपने शहर यमुनानगर के एक टोपरा कला गांव में। बार की तरह इस बार भी आए हैं आज मेरे साथ शशि भाई, जो इस वक्त कैमरे पर मौजूद हैं। वो मैं उनसे आपको मिलाना चाहता हूँ, दिखाइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सभी। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर से आए हैं। तो दोस्तों, हम आए हैं आज टोपरा कला गांव में, जो कि यमुनानगर में स्थित है। तो आज हम इसी को दिखाने के लिए कुछ यहाँ पे एक नई चीज़ है जो हम आपको दिखाने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। तो चलो चलते हैं, पंकज कुमार जी आपको दिखाएंगे जो हम यहाँ पे आज दिखाने के लिए आए हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, दिखाते हैं आपको, ले चलते हैं जो आपको दिखाना चाहते हैं हम। तो आज दिखाइए शशि भाई, कैमरा इधर करिए। धातु से बनाया गया है और इसकी हाइट 30 फीट है। इसे कम से कम 12 वर्कर्स ने मिलकर बनाया। और ये यहाँ पे ये की छत बनाई गई है, अष्ट मंगल छत्र। शशि जी दिखाएंगे आपको। देखिए दोस्तों, ये छत अभी इसका उद्घाटन अभी 6 नवंबर को हुआ है। इसकी हाइट है 60 फीट। तो दोस्तों, ऑसम व्यू के साथ हम यहाँ पर खड़े हैं। तो हम थोड़ी हिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि जब मौर्य वंश काल में सम्राट अशोक ने यहाँ पर धर्म चक्र का निर्माण किया था इसी गांव में, टोपरा कला में, तो 14 सेंचुरी में जब मुगल शासन काल चला, तब वहाँ से एक बादशाह था, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो वो यहाँ से उस चक्र को उठा कर ले गया दिल्ली। तो वहाँ वो चक्र कोटला फोर्ट में वहाँ पर उसको वहाँ पर स्थापित कर दिया। तो यहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सका, तो उसके याद में ये चक्र बनाया गया यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप हमारे पीछे कितना अच्छा व्यू है। और शशि भाई, कुछ कहना चाहते हो आप। अच्छा यार, काफ़ी दिनों से सोच रहे थे हम आने के, यहाँ पे आने के लिए, तो अशोक चक्कर दिखाने के लिए भी। चलो हम दिखाते हैं अपने व्यूवर्स को कि यहाँ पे टोपरा कला हमारे बिल्कुल पास में, हम आज तक नहीं गए हैं यार। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि चलो आज का प्लानिंग कर लेते हैं, पर ये चलो आज भी प्लानिंग नहीं हो पाई थी,
पर फिर भी किसी वजह से पंकज जी ने कहा कि चलो आज चलते ही हैं, चलो देखते हैं, करते हैं शूट आज का वहाँ का। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, अगर आप आना चाहते हैं, अगर आप चंडीगढ़ से अम्बाला से आ रहे हैं तो आपको यमुनानगर टोल प्लाजा क्रॉस करके सहारनपुर हाईवे की तरफ आना पड़ेगा और हरनौल गांव से आपको अंदर की तरफ आना पड़ेगा और यहाँ आने के बाद, हरनौल पहुँचने के बाद आप किसी से ही पूछ सकते हैं इसके बारे में, आपको सब जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप दिल्ली कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं तब भी रादौर पहुँच कर आप वहाँ से भी किसी से पूछ सकते हैं। हरनौल गांव से, यहाँ हरनौल गांव से जो सीधा बिल्कुल ये रोड है टोपरा कला में ही आ रहा है और आपको बिल्कुल ऑन रोड पे ये दिख जाएगा। और टोपरा कला भी तकरीबन 4 किलोमीटर आपका रादौर रोड जो मेन रोड हाईवे है वो सहारनपुर वाला, उससे अंदर आगे जो 4 किलोमीटर पड़ता है सिर्फ, आपको ऑन रोड पे ही दिखाई दे देगा दूर से। थोड़ी ही हम आगे को जाकर देखते हैं थोड़ा क्या कुछ। और यहाँ पे, और यहाँ पे जिम का कुछ झूले भी लगाए गए हैं, वो भी दिखाएंगे अभी आपको। बच्चों के खेलने के लिए थोड़ा कुछ है यहाँ पे, अभी टूरिस्ट कम है, शाम को थोड़ा रश हो जाता है क्योंकि अभी धूप भी बहुत तेज लग रही है। अभी हम यार पूरा घूमेंगे यहाँ पे, पूरी शूट करके फिर चलो घूमते हैं, थोड़ा आपको दिखाते हैं आसपास का जो है वो सब आपको दिखाते हैं। चलें, चलो। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है उसका वो किस रंग का बना है, तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। हमारे आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है और अच्छे एक ऑसम व्यू के साथ हम आपको वीडियो का एंड करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को करिए लाइक शेयर और सब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हम ट्रैवलिंग वीडियो के आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखा रहे हैं। तो वीडियो करते हैं ख़त्म, चलते हैं अपने ऑफिस की ओर और आप एंजॉय करिए ये वीडियो खूबसूरत व्यू के साथ। तब तक के लिए सायनारा।